मैं समझता हूं भारत की मेहरबानी है आपको बुला लेते हैं, हालांकि आप इररेलीवेंट है ना जाना, आप चले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, ना भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाएं तो शायद कोई किसी किस्म की विंडो खुल जाए कहीं ना कहीं डायरेक्शन, हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको रोए पीटे वहां जाके आप। भारत भारत इज मूविंग एज अ रीजनल पावर, उनको भी अपने बैकयार्ड में अगर ड्रामा होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर, क्या पता, लेकिन ये कि अब देखें भारत के साथ ट्रेड शुरू करें अगर ये करना होगा यहाँ से और यहीं से ये सारा कुछ निकलेगा, अगर नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी है आपकी। एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया ने इनवाइट किया है डिफेंस मिनिस्टर को, आपको लगता है ये जाएंगे? चले मेरे ख्याल में जाना तो चाहिए, मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस को भी जाना चाहिए था, मेरे ख्याल में तो मैं समझता हूँ भारत की मेहरबानी है आपको बुला लेते हैं, हालांकि आप इररेलीवेंट है ना जाना, आप चले भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, ना भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे ख्याल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाएं तो शायद कोई किसी किस्म की विंडो खुल जाए कहीं ना कहीं डायरेक्शन, हो सकता है भारत ही 4 पैसे दे दे आपको रोए पीटे वहां जाके आप। भारत भारत इज मूविंग एज अ रीजनल पावर, उनको भी अपने बैकयार्ड में अगर ड्रामा होगा तो इट्स नॉट गुड फॉर, क्या पता, लेकिन ये कि अब देखें मेरे ख्याल में डिफेंस मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए वहां पे। मैं तो हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान की अगर कोई बंदा सोचे, कोई अकलमंद आदमी इंसान सोचे जो पाकिस्तानी हो, जिसकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ हो, जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में हो, सबसे पहला अगर वो इस पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले 2 मुल्कों के साथ 3 मुल्कों के साथ जोड़ने की कोशिश करे, भारत के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और जो चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब है उनको ठीक करने की कोशिश करे, ईरान से तेल ले, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करे, भारत के साथ ट्रेड शुरू करे, अगर ये करना होगा यहाँ से और यहीं से ये सारा कुछ निकलेगा, अगर नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी है आपकी, आपको लंदन से निकलना होगा, आपको टोरंटो से निकलना होगा, आपको अमेरिका से निकलना होगा, आपको पाकिस्तान का पाकिस्तानी लीडर ढूंढना होगा, वरना मेरे ख्याल में ये जो 5,000 लोग हैं ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते और ये चंद ये दूसरे जो पढ़े लिखे आवारा लोग हैं, अगर आप इसी तरह पाकिस्तान चलता रहा मेरे ख्याल में मुझे आपको पाकिस्तान, सबसे पहले तो मैं तो आपको 1,000 दफा मैंने कहा कि आपने तो पाकिस्तान बनाया ही 1947 में, फाइलों में एक मुल्क बनाया गया जिसके 2 टुकड़े क्या, अब तो 4, अब तो 5 हो चुके हैं टुकड़े, क्या इनको टुकड़े टुकड़े हैं, अब तो क्या है, अब तो हर शहर ये टुकड़े बन चुका है ना, क्योंकि रेट ऑफ गवर्नमेंट तो है ही नहीं किसी जगह पे, ना अदालतें हैं, ना फौज है, ना पुलिस है, लेकिन इसको अगर इकट्ठा करना है कि, लेकिन आरजू अगर इसको किसी ने इकट्ठा करना है तो किसी पाकिस्तानी ने करना है, ये जो ब्रिटिश लोग आपने बिठा रखे हैं इस्लामाबाद में, मुस्तकबिल की कोई पॉलिसी आपके सामने मौजूद हो, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है किसी किस्म की, ना जुडिशियल पॉलिसी है, ना पॉलिटिकल पॉलिसी है, ना फॉरेन पॉलिसी है, मनी पॉलिसी है, डॉलर जिसने दे दिया बस उधर चले गया डॉलर, आज अमेरिका को इंटरेस्ट होता, आप कह रहे हैं एजेंसियों के लोग हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट होता 4 पैसे फेंकते सारा कुछ उनकी मर्जी का हो जाना था, चाइना का इंटरेस्ट होता वो $4 फेंकते तो सारा वोट, अब उनका इंटरेस्ट मौजूद नहीं है, आपकी सबसे बड़ी इस वक्त आम पाकिस्तानियों की बदनसीबी ये है कि अब यू आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर, आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि पीपल आर नॉट, द वर्ल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ओए अब तो आपको अफगानी भी लिफ्ट करा रहे भाई, अब तो वो भी कहते हैं परे हटो यार कौन ये क्या गंद हो यार, अब तो वो भी सीधा डायरेक्ट इंडिया से, डायरेक्ट भारत के साथ, कतर के साथ, अमेरिका से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट की, वो सारा कुछ अब वो भी छोड़ गए, आप खाम खा जश्न बनाते रहे जी हमारा तालिबान आ गया, हमारा फलाना आ गया, अब इस वक्त हकीकत दुख वाली बात ये है आरजू, मुस्तकबिल आपका खत्म ना, आप तबाह होते नजर आ रहे हैं और कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा है जी, जो इनस्टेबिलिटी का फैक्टर है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर, और पाकिस्तान का अफगानिस्तान बनने में कोई बहुत बड़ा लंबा फैसला इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत सारी जो है एथनिसिटी, रिलीजन, रेस, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक हैं, और हमारे देखते ही देखते अफगानिस्तान अफगानिस्तान बना है, 79 में अफगानिस्तान अफगानिस्तान नहीं था, तो ये कहना कि नहीं हम अफगानिस्तान नहीं बनेंगे, बातें हम तालिबान की तरह करेंगे, कानून उनकी तरह नाफज करेंगे, उसी तरीके से जो है वो बंदूकें लेके हम तो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट का तसव्वुर जो है वो लाहौर जैसी सिटी में पेश करेंगे, कानून से खेलेंगे, रूल ऑफ लॉ की धज्जियां बखेरेंगे, लेकिन ये है कि हम तालिबान नहीं बनेंगे तो ये कोई मानने वाली बात नहीं है ना, बात ये है कि वो बहुत बड़ी एक कयास की सिचुएशन है,
और उसमें कोई एक फैक्टर भी जो है वो ट्रिगर कर सकता है इस सीरीज ऑफ इवेंट को, जिनको कोई भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये बात भी आईएमएफ देख रहा है, इनस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका जो डिफेंस का खर्चा है एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके जो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी या आर्म्स और इस तरह की प्रोडक्शन है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चूंकि इन सब चीजों के साथ जो है वो खर्चे जुड़े हुए हैं और ये क्राइसिस को डीपन करते हैं। ठीक, अच्छा सर, जैसा हमने बात की कि दूसरा टॉपिक ये है कि क्योंकि मैंने, मेरी नजर से एक ट्वीट गुजरी तो मैंने सोचा चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बातें तो हमने बहुत की, हमने उस वक्त की जब ये मामला हुआ था कश्मीर में 370 का, इंडिया में ये जो एक कानून किया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के बीच जो कुछ उतरा उसके ऊपर एक कोई किसी ने एजाज सैयद जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है उनको टैग किया और उसमें उन्होंने उनकी वो बात लिखी कि एजाज सैयद ने ये कहा था कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे से पहले पाकिस्तान को एतमाद में लिया था और पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम एक पब्लिक स्टेटमेंट तो देंगे मगर एक हद से आगे नहीं देखेंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, तो एजाज सैयद ने उस बंदे को ये जवाब दिया कि ये बात जाहिर है कि कमोबेश 2 साल पहले की है लेकिन ऐसा ही है, यानी उन्होंने इंडोर्स किया इस बात। अब सर इसके बहुत सारे एंगल्स पर हम बात करते रहे लेकिन वो क्योंकि सामने आया तो क्या, यानी आप इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखें जी, उन्होंने रिकन्फर्म किया तो वो कोई वाइस जर्नलिस्ट नहीं है जिन्होंने उस वक्त ये बात कही थी। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जो संजीदा जर्नलिस्ट था, चूंकि लोगों को आप इतना बड़ा जो है वो मैसेज को एज ए होल ऑल ऑफ सडन जो है वो बेवकूफ नहीं बना सकते कि आप 70 साल से गन ने तान के खड़े हैं इंडिया के खिलाफ, आपकी बात कोई कश्मीर के बगैर और कोई गोली चलाए बगैर और कोई जहाद किए बगैर और कोई मिलिटेंसी के बगैर आपके मुंह से ही नहीं निकलती, और ऑल ऑफ सडन जो है ऑन 5th of August 2019 की शाम को आपको सांप सूंघ जाता है, तो ऐसा तो नॉर्मल हालात में तो नहीं होता ना। तो ये तो हर जर्नलिस्ट क्या, हर सोचने वाला आदमी जो है उसने इस वक्त इस बात का इजहार किया था कि इसमें पाकिस्तान जो है उसको इस चीज का खबर थी। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान के आप सेंस ऑफ सुपीरियरिटी को थोड़ा सा इन्फ्लेट करने के लिए कह दें कि इंडिया ने ये पूछ के किया था, तो ये भी थोड़ी सी फार फैच किस्म की बात है। इंडिया को पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये मुल्कों का आम रिवाज होता है कि जहां आपके दरमियान डिस्प्यूट चल रहे हैं तो आप कोई ड्रास्टिक डिसीजन कर रहे हैं तो आप दूसरी पार्टी को इन्फॉर्म करते हैं ताकि उनके लिए कोई अचानक कोई शॉकिंग किस्म की खबर ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया ने उनके साथ कोई बारगेन किया कि भाई साहब हम ये करने वाले हैं तो प्लीज आपने कुछ नहीं करना, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।